हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फिफ्थ। यह आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है अपना परिवेश, इसका चैप्टर नंबर 14 हम स्टार्ट कर चुके थे और इसके टोटल 5 पार्ट्स आप देख चुके हैं, जिसमें आपको मैंने एक्सप्लेन किया था डाइजेशन ऑफ फूड, यानी फूड का डाइजेशन कैसे होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे हमारे डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं, और उसके बाद आपको बताया था मैंने कि डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कैसे होती है, ग्लूकोज क्या होता है ETC और हमें क्या क्या खाना चाहिए। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका पार्ट 6 है, जिसमें पढ़ेंगे हम व्हाट शुड वी ईट एंड हाउ मच, यानी हमें क्या क्या खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। यानी क्या खाना चाहिए वो ठीक है, क्योंकि हम जो खाता है वो खा लेते हैं और ये तो सबको पता है, दूध, दालें, अंडा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खानी चाहिए, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कितना खाना चाहिए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यह है पिरामिड, जिसमें आपको बताएंगे जो कम खाना है वो ऊपर की तरफ होगा और जो ज़्यादा खाना है वो नीचे की तरफ होगा, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है, नीचे से ऊपर की तरफ है और ऊपर से देखें तो असेंडिंग ऑर्डर है, जिसमें आपको बताया है डिक्रीजिंग अमाउंट ईटिंग का। ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं। ऑन द टॉप घी, ऑयल, स्वीट आइटम्स, यानी मीठा और घी और तेल कैसे खाना चाहिए हमें, लेस यानी कम। उसके नेक्स्ट है लिमिटेड चीज़ें क्या खानी चाहिए वो देखो, मिल्क यानी दूध, कर्ड यानी दही, बटर मिल्क यानी छाछ, पनीर, चीज़, ETC यानी डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं, डेयरी के जो दूध से बने हुई चीज़ें होती है वो हमें लिमिटेड खानी चाहिए। उसके बाद है फिश, मीट, ग्राउंड नट, ETC यानी कि ऐसा होता है कि अगर हमें किसी ने बोल दिया कि तुम्हारी हेल्थ अच्छी नहीं रहती, तुम्हें डेली मिल्क पीना चाहिए, दही खाना चाहिए, बटर मिल्क लेना चाहिए, पनीर खाना चाहिए, फिश, मीट, ग्राउंड नट, ETC है ना, तो हम क्या करते हैं उसको खाते ही रहते हैं कि हाँ मुझे डॉक्टर ने बोला है या फिर मुझे उसने बोला है खाने के लिए, हेल्थ अच्छी होगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने बोल दिया तो आप बस वही खाते रहे, नो, उसकी भी लिमिट होती है। आपको देखना है, ये देखिए पिरामिड से आपको समझ में आ जाएगा और आप भी अभी बड़े हो गए, छोटे बच्चे तो हो नहीं, तो आपको समझ में जल्दी आएगा अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे। ईट लेस, क्या कम खाना है, घी, ऑयल एंड स्वीट आइटम्स, यानी कि जो फैटी चीज़ें हैं वो कम और मीठी चीज़ें भी कम। फिर ईट लिमिटेड, यानी लिमिट में खाना है वो है डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि दूध से बनी हुई चीज़ें एंड फिश, मीट, ग्राउंड नट, ETC। फिर है ईट प्लेंटीफुल यानी खूब खाए, जिनको आप खूब खाओ, खाते रहो, कोई रुकने वाला नहीं है, जब तक आपका पेट ना भरे खाते जाओ। तो वो क्या है, स्पिनच यानी पालक, कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, टोमेटो, कैरट, पोटैटो, ETC। और फिर फ्रूट में है एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, पपाया, ऑरेंज, ETC यानी इनको आप खूब खाओ, कोई मना नहीं करेगा आपको, डॉक्टर भी नहीं, पेरेंट्स भी नहीं, घर में भी आपको कोई मना करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी लिमिट नहीं है, आप अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग अपनी इच्छा से इनको खा सकते हो, क्योंकि टेस्टी भी होता है प्लस हेल्दी भी होते हैं, और ज़्यादा तो वैसे आप खा भी नहीं पाओगे, तो ये ठीक है। फिर है ईट मैक्सिमम, यानी जो सबसे ज़्यादा खाना चाहिए वो क्या है, तो वो है चपाती यानी कि रोटी जो हम रोज़ खाते हैं, पल्सेज यानी दालें, राइस यानी चावल, पोरीज यानी दलिया, खीच और फ्लैटेंड राइस यानी पोहा, और फिर सेमोलिना यानी सूजी, ये सब हमें मैक्सिमम खाना चाहिए, यानी कि इनको हम ज़्यादा खा सकते हैं, सबसे ज़्यादा इनको खा सकते हैं। तो आपको ये पिरामिड समझ में आ गया, सबसे ज़्यादा क्या खाना है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, पोहा, सूजी, खीच, है ना, और फिर जब भी इच्छा हो तब क्या खा सकते हो, अपनी इच्छा के हिसाब से वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। फिर लिमिटेड क्या खाना है, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड फिश, मीट, ये सब, और सबसे कम क्या लेना है, घी, ऑयल एंड स्वीट आइटम्स। ओके, नेक्स्ट लुक एट द फूड पिरामिड एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी शुड ईट एंड इन व्हाट प्रोपोर्शंस, यानी कि इस फूड पिरामिड को देखने के बाद हमें पता चल गया है कि हमें क्या खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए,
ड्रॉ द पिरामिड गिवन बिलो इन योर नोटबुक एंड फिल इट विद द नेम्स ऑफ द फूड आइटम्स इंक्लूडेड इन योर डाइट अलॉन्ग विद देयर प्रोपोर्शंस. यानी आप अपनी नोटबुक में ये पिरामिड बनाओ जो आपकी बुक में आपको शो हो रहा है. ये देखिए अच्छे से, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है. तो उसको अपनी नोटबुक बनाओ और फिर आपको अपने जो आप खाते हो उसके लिमिट के हिसाब से इसमें खाने की चीज़ें भर लो. तो ये तो वैसे इजी काम है, पर मैं चाहती हूँ कि मैं आपको होमवर्क तो अलग से देती हूँ नोटबुक में, तो आप ये काम अपनी बुक में ही फिल करेंगे. जब आपकी बुक में ये दिख रहा है पिरामिड, इसको आप छोटी छोटी हैंड राइटिंग में फिल करेंगे विद योर पेंसिल. फर्स्ट बॉक्स में क्या फिल करना है देखिए, ये फर्स्ट बॉक्स, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. तो फर्स्ट बॉक्स में आप लिखेंगे इन लेस अमाउंट, यानी कम अमाउंट में क्या खाते हैं आप सबसे कम, तो वो आपको सबसे ऊपर लिखना है. इन लिमिटेड अमाउंट, लिमिटेड में क्या खाते हैं वो यहाँ पे, फिर ज़्यादा क्या खाते हैं वो यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा क्या खाते वो यहाँ पे. ओके, तो ये आपको पिरामिड बनाना नहीं है अपनी बुक में, लेकिन हाँ ये आपको अपनी सॉरी नोटबुक में नहीं बनाना है, आपको बुक में ही फिल करना है, बिकॉज आपको होमवर्क अलग से मिलता है. तो वो आप अपनी नोटबुक में कीजिएगा. तो आइए बारी है अपने होमवर्क की, और इसके आगे जो भी बचा है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे. आपका आज का होमवर्क है ये देखिए, आपको मैं क्वेश्चन 5 तक करवा चुकी हूँ जिसमें ये आंसर दिया था, और अभी बारी है हमारे क्वेश्चन 1 और 2 की. ये देखिए, ये आपके चैप्टर के क्वेश्चन हैं जो चैप्टर के लास्ट में होते हैं. लर्नड, अंडरस्टूड, नाउ आंसर. यानी आपने जो सीखा, जो समझा, अब आंसर दीजिए. क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ द टैबलेट गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया. एनीमिया के ट्रीटमेंट में जो दवाई दी जाती है उसका नेम क्या है, ये हमने पढ़ा था जब हम मिया से डॉक्टर की बातचीत को सुन रहे थे तब. तो वो है आयरन फॉलिक एसिड, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं IFA, यानी आयरन फॉलिक एसिड. क्वेश्चन नंबर 2, विच टैबलेट यू विल टेक फॉर द वॉर्म कंट्रोल, यानी डिवॉर्मिंग. अगर आपके पेट में कीड़े हो जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप कौन सी दवा लेंगे, तो उसका आंसर है एल्बेंडाजॉल. क्या लेंगे बेटा? एल्बेंडाजॉल. ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं एज इट इज़, जैसा मैंने किया है बिल्कुल वैसे, और डेट लगाना मत भूलिएगा. थैंक यू.